सानिहा साहिवाल में बड़ी पेशरफ्त, साबिक एडिशनल आईजी राय ताहिर ने जेआईटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साहिवाल ऑपरेशन, फैसलाबाद और दीगर ऑपरेशन से मिलने वाली मालूमात पर किया गया राय ताहिर का बयान। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा इस मामले की तफसीलात। जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के अंदर बड़ी पेशरफ ये हुई है कि साबिक एडिशनल आईजी सीटीटी राय ताहिर ने जेआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया गया है। उसके अंदर जो जराए से मालूमात मिली है उसके मुताबिक राय ताहिर ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन किया गया था ये मुख्तलिफ पंजाब में जारी ऑपरेशंस के तनाजर और उसकी एक कड़ी थी जिसके तहत किया गया। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि फैसलाबाद और इससे कबल होने वाले पंजाब में जो ऑपरेशन थे कलदम तंजीम के खिलाफ, उससे जो मालूमात मिली थी उसके टिप के ऊपर ये वाला जो वाकया था ये किया गया था और बाद में ये टर्नआउट एक साने के तौर पे हुआ। साथ ही साथ जो 6 अहलकार सीटीडी के गिरफ्तार किए गए थे उनको जीआईटी ने लाहौर में 4 रोज सुना था, क्योंकि उनका 15 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया हुआ है। 4 रोज सुनने के बाद आज उनको साहिवाल मुंतकिल किया जा रहा है और कल से जीआईटी जो है वो फर्दन तमाम के दोबारा बयान लेगी, क्योंकि अब तक की जो सबसे अहम चीज ये है कि जीआईटी ने ये तो डिटरमिन कर लिया है कि फायरिंग 2 दफा हुई है, यानी एक दफा जीशान को मारने के लिए और दूसरी दफा बाकी 3 जो कारसवार थे उनको मारने के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने इल्जाम अपने सर नहीं लिया। इस चीज को चेक करने के लिए फर्दन तमाम ड्राइवर समेत 6 एहलकारों के बयानात लिए जाएंगे और उसकी रोशनी में जीआईटी जराए का कहना है कि 17 फरवरी से पहले रिपोर्ट जो है वो जमा करानी है, क्योंकि 30 दिन जो है वो 18 फरवरी को पूरे हो रहे हैं, उससे रिपोर्ट पहले जमा करानी है। इसलिए उनकी कोशिश है कि तमाम बयानात जो है वो जल्द से जल्द हासिल करके कंक्लूजन कर लिया जाए कंक्रीट रिपोर्ट का कि रिपोर्ट फाइल क्या करनी है। ठीक है उमर जावेद, ये जो तफसीलात आप बता रहे हैं इनकी रोशनी में अभी तक जो शवाहिद जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं उसमें कोई अहम पेशरफ नजर आ रही है सामने? जी, जीआईटी ने ये चीज तो डिटरमिन कर ली है सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल फुटेजेस से कि फायरिंग 2 दफा हुई थी, यानी एक दफा फायरिंग करने के बाद किसी से राब्ता किया गया और दोबारा दूसरी दफा फायरिंग की गई। इस चीज के ऊपर तो जीआईटी जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई भी जीआईटी के पास जितने गिरफ्तार मुलजमान है वो उमर जावेद जिस आप तफसीलात बता रहे हैं, बच्चा जो एनी शाहिद वहां पे मौजूद था उसका भी यही बयान था जो कि रिकॉर्ड किया गया, शायद उसके तनाजुर में आगे पेशरफ्त हुई है कि बच्चे ने कहा कि पहले जीशान अंकल को मार दिया गया, पुलिस वालों ने मारा, फिर उसके बाद फोन किया, फोन के बाद इनके बच्चे के वालिद ने वहां पे दुआएं भी दी कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें ना मारा जाए, पैसे ले लिए जाएं, लेकिन फिर उस फोन के बाद दोबारा सबको मारा गया। तो ये उसी बयान के तनाजुर में है या अपनी फाइंडिंग्स हैं? निजामी, बयान तो कल रात जो फैमिली का बयान था वो तो परसों हुआ है, लेकिन जीआईटी को जो मोबाइल फुटेजेस मिली थी, जो एनी शाहिदीन ने बयान दिए थे, जो सीसीटीवी फुटेजेस थी वो फ्रांसिक भिजवाई गई नहीं थी, उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था, तो जीआईटी को वो वाली रिपोर्ट जो है वो भी मिलना शुरू होगी। डेफिनेटली उमैर का बयान जो है वो भी काफी अहमियत रखता है, लेकिन ये तमाम चीजें जो है क्योंकि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से मौसूल होने रिजल्ट शुरू हुए तो उसके तनाजर में वो कंपाइल करना शुरू कर दिया है, उन्होंने रिपोर्ट को फाइनल हतमी मराइल में लेके जाना शुरू कर दिया। इसलिए जीआईटी इस नतीजे में तो पहुंच गई कि फायरिंग 2 दफा हुई है, किसके कहने पर हुई है ये अभी तक जो है बात सामने नहीं आ सकी। इसीलिए फर्दन जो है अब इनके बयानात रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया, क्योंकि 4 जो तफ्तीश की गई है उसके अंदर किसी भी जो अहलकार है उसने ये नहीं बताया कि फायरिंग की किसके कहने पर है, क्योंकि पहले जवाद कमर जो एसएसपी। अच्छा, वैसे कि इन्वेस्टिगेशन की बात करें आप उमर जावेद, तो फोटोग्रामेट्री से भी हो चुका है और दूसरी चीजें भी सामने आ गई, फोन किसको किया गया और जो तफसीलात आएंगी वहां से भी पता चल सकता है कि फोन किसको किया और उसने क्या अहकाम दिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका उमर जावेद।